नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। स्वमातुः स्विन्नगात्रायः विश्वस्तकवरस्रजः दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णः कृपयासित स्वबन्धने एवं संदर्शिता ह्यंगा हरिणा भृत्य वश्यता स्ववशेनापि कृष्णेन जस्येदं सेश्वरं वशे। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद। माता यशोदा द्वारा कठिन परिश्रम किए जाने से उनका सारा शरीर पसीने से लथपथ हो गया और उनके केसों में लगी कंघी और गूथे हुए फूल गिरे जा रहे थे। जब बालक कृष्ण ने अपनी माता को इतना थका देखा तो वे दयाद्र हो उठे और अपने को बंधाने के लिए राजी हो गए। तात्पर्य। जब अंत में माता यशोदा तथा अन्य स्त्रियों ने देखा कि अनेक कंगनों तथा रत्न जटित आभूषणों से सज्जित कृष्ण को घर भर की रस्सियों से भी नहीं बांधा जा सका तो उन्होंने निर्णय लिया कि कृष्ण इतना भाग्यशाली है कि उसे किसी भौतिक वस्तु से बांधा नहीं जा सकता। अतएव उन्होंने उन्हें बांधने का विचार त्याग दिया। किंतु कभी कभी कृष्ण अपने भक्तों से प्रतियोगिता करते हुए हारने के लिए राजी हो जाते हैं। इस तरह कृष्ण की अतरंगा शक्ति योग माया काम कर गई और कृष्ण ने माता यशोदा के हाथों से बांधा जाना स्वीकार कर लिया। दूसरे श्लोक का बोलिए। एवं इस प्रकार संदर्शिता प्रदर्शित किया गया हे निसंदेह अंग हे महाराज परीक्षित हरिणा भगवान द्वारा भृत्यवश्यता अपने सेवक या भक्त की अधीनता स्वीकार करने का गुण स्ववशेन जो केवल अपने बस में रहे अपि निसंदेह कृष्णेन कृष्ण द्वारा यस्य जिसके इदं संपूर्ण ब्रह्मांड स ईश्वरम शिव तथा ब्रह्मा जैसे शक्तिशाली देवताओं सहित वसे वस में। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद। हे महाराज परीक्षित भगवान शिव भगवान ब्रह्मा तथा भगवान इंद्र जैसे महान एवं उच्च देवताओं समेत यह संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान के बस में है। फिर भी भगवान का एक दिव्य गुण यह है कि वे अपने भक्तों के बस में रहते हैं। यही बात इस लीला में कृष्ण द्वारा दिखलाई गई है। तात्पर्य। कृष्ण के इस लीला को समझ पाना दुष्कर है किंतु भक्तगण इसे समझ सकते हैं। इसीलिए कहा गया है दर्शयन तद विदाम लोक आत्मनो भक्त वश्यताम भागवत 10:11-9। भगवान अपने भक्तों के बस में होने का गुण प्रदर्शित करते हैं। ब्रह्म संहिता में 5:35 कहा गया है एकोप्यसौ रचय तुम जगदंड कोटि यक्षतिरस्त जगदंड चया जदंत अंडांतरस्त परमाणु चयांतरस्तम गोविंद माद पुरुषम तमहम भजामी।
अपने एक अंश परमात्मा से भगवान असंख्य ब्रह्मांडों एवं उनके देवताओं को नियंत्रित करते हैं, फिर भी वे अपने भक्त द्वारा नियंत्रित होने के लिए राजी हो जाते हैं। उपनिषदों में कहा गया है कि भगवान मन से भी अधिक वेग से दौड़ सकते हैं, किंतु यहाँ हम देखते हैं कि अपनी माता द्वारा पकड़े जाने से बचने की इच्छा रखते हुए भी कृष्ण पराजित हुए और माता यशोदा द्वारा पकड़ लिए गए। लक्ष्मी सहस्र सतसंभ्रम सेव्यमानम, कृष्ण की सेवा लाखों लक्ष्मियां करती हैं, फिर भी वे मक्खन की चोरी इस तरह करते हैं मानो दरिद्र हों। यद्यपि सारे जीवों का नियंत्रक यमराज कृष्ण से भयभीत रहता है, फिर भी कृष्ण अपनी माता की साटी से भयभीत हैं। इन विरोधाभासों को अभक्त नहीं समझ सकता, किंतु भक्त समझ सकता है कि कृष्ण की अनन्य भक्ति कितनी बलवान है। यह इतनी बलवान है कि कृष्ण को एक शुद्ध भक्त द्वारा नियंत्रण में रखा जा सकता है। इस भृत्य वश्यता का अर्थ यह नहीं है कि वे अपने दास के वश में है, प्रत्युत वे दास के शुद्ध प्रेम के वश में रहते हैं। भगवद गीता में 1:21 कहा गया है कि कृष्ण अर्जुन के सारथी बने। अर्जुन ने उन्हें आदेश दिया, सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय मेच्युत, हे कृष्ण आपने मेरा सारथी बनना और मेरे आदेशों का पालन करना स्वीकार किया है, अतः मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा करो। कृष्ण ने तुरंत इस आदेश का पालन किया, अतएव यह तर्क दिया जा सकता है कि कृष्ण भी सदैव पूर्ण स्वतंत्र नहीं रहते, किंतु यह तो मनुष्य का निजी अज्ञान है। कृष्ण पूर्ण स्वतंत्र हैं। जब वे अपने भक्तों के वशीभूत हो जाते हैं तो यह आनंद चिन्मय रस का प्रदर्शन होता है जो उनके दिव्य आनंद को बढ़ाने वाला होता है। हर व्यक्ति कृष्ण की पूजा भगवान के रूप में करता है, अतएव कभी कभी वे किसी अन्य द्वारा नियंत्रित होने की इच्छा करते हैं। ऐसा नियंत्रक एक शुद्ध भक्त के अतिरिक्त भला अन्य कोई कैसे हो सकता है। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद, भगवान को जब माँ यशोदा बांध रही थी, दो अंगुल रस्सी कम पड़ रही थी, पर अंत में भगवान बंध गए। क्यों बंध गए इस श्लोक में बताया जा रहा है। भगवान अपने भक्तों के वश में रहते हैं यह दिखाने के लिए बंध गए, लेकिन फिर भी ये प्रश्न होता है शुरू में ही क्यों नहीं बंध गए, इतना देर करके क्यों बंधे। तो इसका उत्तर सुखदेव जी देते हैं, स्वमातुः स्विन्न गात्राया। भगवान कृष्ण ने देखा कि स्वमातुः मेरी माँ, स्व शब्द का प्रयोग सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं, स्वमातुः मतलब मेरी माँ बिल्कुल थक गई है, रस्सी लाते लाते जुटाते जुटाते और गांठ बनाते बनाते कमर में लपेटते लपेटते थक गई है। अन्य जो सखियां थी यशोदा जी की, वे मना कर रही थी, छोड़ दीजिए अब इस लाला को बांधिए मत, क्या इससे फायदा है, बांधिए मत। तो माता यशोदा हठ कर रही थी, नहीं मैं बांध करके रहूंगी, क्यों नहीं बांधेगा, छोटा सा बच्चा है, बहुत परिश्रम हो रहा था माता यशोदा को, सवेरे से ही जग करके दही मंथन कर रही थी, तो उसमें भी थकी थी, मंथन दंड को घुमाने से उनके भुजाओं में थकावट आ गई थी, और उसके बाद श्री कृष्ण ने मटका फोड़ दिया तो उनको पकड़ने के लिए भी वो बहुत देर तक दौड़ी रही।
दौड़ने से परिश्रम हो गया, और इधर बांध रही थी रस्सी लाना, बार बार घर में इस घर में जाना, वहां से रस्सी लाना, वहां से रस्सी लाना, और गांठ लगाना, लेकिन फिर भी गांठ पूरी नहीं हो रही थी, रस्सी कम पड़ रही थी। तो इससे माँ यशोदा को परिश्रम हो रहा था, बहुत थकावट हो रही थी। इसको भगवान ने देखा अपनी दृष्टि से कि माँ किस तरह थक गई है। पहले तो उन्होंने देखा कि मेरी माँ पसीने से नहा ली है, लथपथ हो गई है, विश्रस्त कबर असरजा, और दूसरा उन्होंने देखा कि इसके चोटी के फूल गिर रहे हैं। माता को अपने शरीर का ध्यान नहीं है, इतना परिश्रम की है कि शरीर का और श्रृंगार का ध्यान नहीं है माता को, मुझे बांधना चाहती है। क्यों बांधना चाहती है? स्नेह से, अच्छे वात्सल्य से बांधना चाहती है। बांध करके मैं बच्चे को ठीक करूंगी, बाद में खिला पिला लूंगी, तो अतिशय स्नेह है बच्चे के प्रति, इसलिए बांधना चाहते हैं। इस पर भगवान ने विचार किया, मेरी माँ मेरे हित के लिए मुझे बांधना चाहती है, यह एक विचार किया भगवान ने। और दूसरा विचार भगवान के हृदय में अपने आप आ गया। उधर परिश्रम पूरा हुआ यशोदा का, और भगवान के हृदय में कृपा महारानी प्रकट हो गई। सबसे बड़ी कृपा है, सबसे बड़ी शक्ति है भगवान की कृपा शक्ति। कई शक्तियां विरोध कर रही थी, विभुता शक्ति, सर्वव्यापकता शक्ति, कई शक्तियां कह रहे थे कि नहीं, हम ब्रह्म को, हम परमात्मा को नहीं बनने देंगे। लेकिन अंत में भगवान के हृदय में कृपा शक्ति उदित हुई, और ये कृपा सभी शक्तियों की महारानी है, चक्रवर्तिनी है। जब यह हृदय में उदित हुई तो सारी शक्तियां दब गई, और हृदय नवनीत की तरह पिघल गया। कहने का आशय है कि दया से मन भर गया माता के प्रति। तो उधर माता का परिश्रम पूरा हुआ और भगवान की दया पूर्ण रूप से उदित हो गई। इन दो कारणों से कृष्ण बंध गए, इस श्लोक में बताया गया है। स्वमातु स्विन गात्राया विश्रस्त कबरा सृजा दृष्टवा परिश्रमम कृष्ण। माँ का परिश्रम देख करके भगवान के हृदय में कृपा उत्पन्न हो गई। भगवान तो बंध सकते हैं किसी भी भक्त के द्वारा, लेकिन परिश्रम चाहिए, और भगवान के हृदय में तो कृपा है ही, वो कृपा उग गई। कृपया आसित स्वबंधन है। तो भगवान माँ का परिश्रम देख करके अपनी कृपा से बंध गए, माँ पर कृपा करके बंध गए। स्वबंधन है तो कौन बंधन था? अपना बंधन, माँ का बंधन अपना ही बंधन था। स्वबंधन है आसीत, अपने बंधन में आ गए। यह भी इसका अर्थ है कि नंद भवन में जितनी भी रस्सियां रखी गई थी वो सब कृष्ण की सेवा के लिए ही थी, तो उन रस्सियों में भगवान बंध गए। कई रस्सियां ऐसे रखी रह गई, एक अंतिम रस्सी लगी थी उसमें बंध गए। उस रस्सी को सुखदेव गोस्वामी कहते हैं स्वबंधन, भगवान बंध गए अपने ही बंधन में, कोई माया की रस्सी उनको नहीं बांध सकती है, भौतिक जगत की कोई वस्तु नहीं बांध सकती है, वो प्रेम के बंधन में बंध गए।
वो किसी बंधन में नहीं है। माँ जसोदा ने उनको इस तरह बांध लिया और उखल के साथ खड़ा कर दिया, बंधे रहो। भक्त लोग पूरे एक महीना भगवान को बंधे रूप में खड़ा रखते हैं और आरती करते हैं कि ऐसे ही खड़े रहिए। तो यह आनंद की लीला है ना। अगर शोक होता तो क्यों उनको खड़ा रखा जाता है, सुला दिया जाता खोल करके। लेकिन यही आनंद है कि भगवान बंधे रहे। यह बहुत बड़ा सुख है भक्तों के लिए। भगवान को परेशानी नहीं हुई, इसे बहुत बड़ा सुख मिला। वे बंधे बंधे और काम करेंगे। उखल में बंधे बंधे वे दो वृक्षों का उद्धार किए, वो कथा आएगी बाद में, जिनको जमलार्जुन कहते हैं, जोड़ा अर्जुन वृक्ष। तो दामोदराष्टक में भी दूसरे श्लोक में कहा गया है, इतिदृक स्वलीला भी रानंद कुंडे निबंजन स्वघोषम घोषम निमज्जंत माख्या पयंतम तदीय सुतव्य सुभक्तर जितत्व पुनः प्रेम तस्तम सतावृत्ति बंदे। इस प्रकार की लीलाओं द्वारा भगवान अपने गोकुल को, अपने ब्रज को आनंद कुंड में निमज्जित करते थे और इसके द्वारा आख्या पर्यंतम यह प्रचार कर रहे हैं कि तदीयसी तब्यसु, जो भगवान के बड़े बड़े भक्त हैं, जैसे ब्रह्मा जी सबसे बड़े भक्त हैं, शिव जी, सनकादिक, इन सब भक्तों में भगवान इसका प्रचार करना चाहते हैं कि भक्तर जितत्वम, मैं भक्तों के द्वारा जीता हुआ हूँ, भक्तों के प्रेम के बस में हूँ। इस बात को वे आख्या पर्यंतम इसका प्रचार कर रहे हैं इन लीलाओं द्वारा। गोकुलवासियों को आनंद सरोवर में, आनंद कुंड में डुबाते हैं और अपने दासों को, भक्तों को ये शिक्षा दे रहे हैं कि मैं भक्तों के प्रेम के बस में हूँ। इसी को अगले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहे हैं, एवं संदर्शिता ह्यंग हरणा भृत वस्यता। भगवान कोई भी लीला करते हैं तो उसके पीछे कुछ उनका अभिप्राय होता है, क्यों इस तरह की लीला कर रहे हैं। एक तो अपना अभिप्राय है, उनका अपना यह स्वरूप है कि इन लीलाओं द्वारा वे अतिशय आनंद का आस्वादन करते हैं, और दूसरा उद्देश्य है इन लीलाओं के द्वारा वे जीवों को इस बात की शिक्षा देते हैं कि हमें जसोदा की तरह, सखाओं की तरह जो प्रेम करते हैं, उनको मैं इस रूप में प्राप्त होता हूँ। यह कृपा है उनकी, कृपा करके ऐसी लीलाएं ब्रज में प्रकाशित करते हैं। तो भगवान किसी भी समय भगवान हैं, वो अपने समस्त ऐश्वर्य के साथ हैं। इस प्रकार की लीला करते हुए ऐसा नहीं समझना चाहिए कि कृष्ण अपनी भगवत्ता को खो चुके हैं, जैसे इस लीला में आपने सुना। उनको सवेरे सवेरे भूख लग गई, वे रोने लगे दूध के लिए, माता जसोदा का दूध पीने के लिए, मैं दूध पीऊंगा। ये रोने लगे और रोते हुए माता जसोदा के पास पहुंचे। तो भगवान तो आत्मा राम हैं, अपने स्वरूप में ही रमण करते हैं, उन्हें और किसी की इच्छा नहीं होती है, लेकिन फिर भी वे भूखे हो गए। आत्मा रामत्वेपि विभुक्षया, आत्मा राम होने पर भी उनमें भूख लगी, वे माता के स्तनों में जो दूध है उसके लिए रोने लगे। आत्मा राम होने पर भी दूध पीने की लालसा हो गई और पूर्ण काम होने पर भी
उनको तृप्ति नहीं हुई। भगवान की समस्त कामनाएं सदा के लिए पूर्ण हैं, उन्हें पूर्ण काम कहते हैं। लेकिन यहाँ इस प्रसंग में हम लोगों ने सुना कि माता जशोदा का दूध पीते पीते उनको तृप्ति नहीं हो रही थी, उनका पेट नहीं भर रहा था। और भगवान शुद्ध सत्वमय हैं, उनमें रजोगुण तमोगुण बिल्कुल नहीं है, विशुद्ध सत्वमय हैं, अप्राकृत धरातल पर। लेकिन उनमें भी कोप आ गया, क्रोध आ गया कि माता जशोदा ने ज्यादा दूध उनको क्यों नहीं पिलाया, क्यों जमीन पर रख दिया। यह विचार करके क्रोध आ गया, क्रोध आ गया, फिर भी भगवान शुद्ध सत्वमय हैं, दिव्य हैं। ये तो क्रोध भी धन्य हो गया भगवान के ओठ पर आकर के, लोभ धन्य हो गया, भगवान में लोभ आया, काम आया, क्रोध आया। और क्रोध कहाँ पर प्रभाव डाला, मटका पर, उसको तोड़ा उन्होंने। और इसके बाद भय आया, भगवान में भय नहीं है, वे महाकाल और जमराज आदि को भी भय उत्पन्न करने वाले हैं। जमराज और काल ये सब भय से कांपते हैं भगवान के, उनके डर से ही वे लोग जगत में शासन करते हैं। ब्रह्मा शिव आदि सब पर कृष्ण का अनुशासन है, लेकिन वे भगवान भी माँ जशोदा से डर करके भागे। भागना और भय करना, ये दोनों आया, भगवान ने पलायन भी आया, वे भागे, भयभीत होकर भागे। पर फिर भी वे पूर्ण ईश्वर हैं, पूर्ण भगवान हैं, यही भगवान के लीला की माधुरी है। चैतन्य चरितार्थ में कहा गया है कि माधुर्य भगवत्ता सार, यही भगवत्ता का सार है माधुर्य। भगवान इस तरह से एक मधुर बालक हैं, माता जशोदा के पुत्र हैं, यही भगवत्ता का सार सर्वस्व है। माधुर्य भगवत्ता सार ब्रजे कैल परचार, और इस ब्रज में भगवान ने इसी भगवत्ता को दिखाया। क्या भगवत्ता? माधुर्य, माधुर्य दिखाया। तहा सुख व्यासेर नंदन, इस प्रसंग को व्यास देव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी ने स्थाने स्थाने भागवते वाणी अच्छे जनाईते, जहाँ सुनी माते भक्त मन। जिस लीला को सुखदेव गोस्वामी ने भागवत में जहाँ तहाँ कहा है, और उन प्रसंगों को सुनकर भक्तों का मन प्रेम में मतवाला हो जाता है। स्थाने स्थाने भागवते वाणी अच्छे जनाईते, जनाने के लिए, बताने के लिए ही भागवत में कहीं कहीं इन लीलाओं का उल्लेख किया है उन्होंने, और विशेष करके दशम स्कंध में। तो इसे पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, इसी के लिए सुखदेव गोस्वामी ने प्रवचन किया है। बहुत बड़ा उपकार है इस महामुनि का, सुखदेव गोस्वामी का। उन्होंने इस पृथ्वी पर सर्वप्रथम महाराज परीक्षित को कथा सुनाया, उसके बाद उनके शिष्य सुत गोस्वामी नैमिषारण्य में इस कथा को दिए, और श्रील प्रभुपाद बहुत विस्तार से इस श्रीमद् भागवत पर व्याख्यान लिखे हैं, इसकी व्याख्या किए हैं। प्रतिदिन इसे पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छा नियम है कृष्ण भावनामृत केंद्रों में कि सवेरे सवेरे श्रीमद् भागवतम पढ़ने सुनने का अवसर दिया जाता है। तो दो चीज से भगवान बंध गए, माँ के परिश्रम को देख करके उनके हृदय में कृपा उत्पन्न हो गई थी, दो अंगुल कमी हो रही थी, दोनों पूरा हो गई। माँ का परिश्रम पूरा हुआ और भगवान के हृदय में करुणा उत्पन्न हो गई, दया उत्पन्न हो गई, दोनों कमी पूरा हो गई, बंध गए। बंधे हैं तो
प्रभुपाद जी कहते हैं कि ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वे अधीन हो गए, वास्तव में अधीन में प्रेम के अधीन है, किसी व्यक्ति के नहीं, प्रेम के बस में हो गए। तो यहाँ पर एक विशेष साधन का संकेत है इस लीला में, उसे भी समझते चलना चाहिए। हम लोग भी भक्त हैं, भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, भगवान को पाने का उपाय हम लोग भी कर रहे हैं, तो जिस उपाय से पा सकते हैं वो सब उपाय बताए जाते हैं। पहले तो जो साधन हैं, भगवान की भक्ति साधन है, और भक्ति में अनेक अंग हैं, तो भक्ति के अंगों में हमें परिश्रम करना चाहिए। पर जितनी शक्ति भगवान ने दिया है हमको, जितना बोलने की शक्ति दिया है जप करने की, हम जप करें ईमानदारी से और भगवान को प्रणाम करें, भगवान की कथा सुने, भगवान का मंत्र जपें, भगवान के धाम की परिक्रमा करें, जितनी शक्ति है उतना करें, पूरा थक जाए करते करते। भगवान तो हृदय में ही हैं, वे सब देखते रहते हैं कि हम कितना परिश्रम करते हैं। दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण, कृष्ण परिश्रम देखना चाहते हैं भक्तों का, और जो कार्य होना है वो तो हो ही जाता है, लेकिन भगवान भक्त का परिश्रम देखना चाहते हैं कि हमारे लिए यह कितना परिश्रम कर रहा है। हमारे परिश्रम से भगवान नहीं मिलेंगे, लेकिन भगवान हमारे परिश्रम को देख करके पिघल जाएंगे, मिलेंगे वे अपनी दया से ही, अपनी कृपा से ही, लेकिन हमें परिश्रम करने में बाज नहीं आना चाहिए, हमें आलस नहीं करना चाहिए। मंगला आरती में उठ जाना है और भागवत सुनना है, जप करना है, जप करते समय खूब अच्छा से नाम का उच्चारण करके जप करना चाहिए। जप करते करते जीभ थक जाए, ब्रजमंडल की परिक्रमा करते करते पैर थक जाए, तो यही सार्थकता है पैर की, कहाँ कहाँ घूम घूम करके थके हैं पैर, लोभ बस किस किस के द्वार पर कहाँ कहाँ घूमे हैं ये पापी पैर, ये ब्रज में घूम करके पुण्यात्मा हो सकते हैं। तो जितनी शक्ति भगवान ने दिया है उस शक्ति को लगा देना चाहिए, और जो भी बाकी रहेगा वो सब भगवान पूरा करेंगे। अर्जुन से भगवान बातचीत कर रहे हैं तो कहते हैं, देखो ये सब मर गए हैं, तुमको केवल निमित्त मात्र होना है, काम तो हो चुका है, भगवान ने कहा ये सब मर गए हैं, लेकिन फिर भी धनुष उठाओ, निमित्त मात्र भव सव्यसाचिन, हे सव्यसाची तुम निमित्त मात्र बनो, हम भगवान को प्राप्त करेंगे उनकी कृपा से ही, लेकिन भगवान ने जो एसेट दिया है, जो शक्ति दिया है उसको लगा देना चाहिए। सबसे बड़ी शक्ति है यह शरीर, इस शरीर में भगवान ने जीभ दिया है, कान दिया है, हाथ दिया है, पैर दिया है, तो इन सब इंद्रियों का हम उपयोग कर लें, वो तो मिलेंगे अपनी कृपा से ही, लेकिन देखना चाहते हैं कि इसने हाथ का क्या उपयोग किया। हाथ दिए हैं तो इसके द्वारा जप करना, माला फेरना, बुक डिस्क्रिप्शन करना, भगवान के मंदिर की सफाई करना, ये सब हम जितना करेंगे उतना ही अच्छा है, परिश्रम होना चाहिए। कृष्ण के लिए इंद्रियों का विनियोग करना, इस तरह का परिश्रम होना चाहिए। तब दृष्ट्वा परिश्रमम कृष्ण, कृष्ण
भक्त के परिश्रम को देखकर कृपया आसित स्वबंधन है, वे कृपा करके प्रेम के बंधन में बंध जाएंगे। ये साधन की प्रेरणा है। भगवान मिलेंगे नहीं, मिले हैं, हृदय में हैं, मंदिर में बैठे हैं, केवल आवश्यकता है हमारे परिश्रम की, प्रेम की। मनुष्य कितना कितना परिश्रम करता है अन्य कार्य के लिए, यहाँ जाना वहाँ जाना, घूमना, नाना प्रकार का काम करना। इस तरह की तत्परता भक्ति में होनी चाहिए। यह दृढ़ निश्चय कर ले भक्त कि हमको कृष्ण को पाना है और इस जीवन में पाना है, इस जीवन में पाना है। जैसे माँ यशोदा ने सोचा हमें बांधना है कृष्ण को, बांध देना है, तो वो बांध ही ली। कई प्रकार का विक्षेप हो रहा था, बांध नहीं रहे थे, और सखियां भी कह रही थी छोड़ दो, हताश कर रही थी। इस लाला के ललाट में बंधन नहीं लिखा है, इसलिए मत बांधो। वे हंस रही थी, जसोदा उनके हंसने की परवाह नहीं की, वो अपने लक्ष्य पर थे कि चाहे आज शाम हो जाए, घर की सारी रस्सी लग जाए, चाहे पूरे गांव की रस्सी लग जाए, लेकिन बांध करके ही रहूंगी। तो इस प्रकार का निश्चय था और परिश्रम था, तो भगवान बंध गए। तो हमको तो कम परिश्रम में मिल जाएंगे भगवान। श्रील प्रभुपाद ने कहा है, 16 माला जप करो, अगर ईमानदारी से जप करे व्यक्ति, भगवान को प्रणाम करे, भगवत गीता पढ़े, श्रीमद् भागवतम पढ़े, चैतन्य चैतन्यमृत पढ़े, भक्तों का संग करे, क्यों नहीं भगवान मिलेंगे, निश्चित ही मिल जाएंगे। परंतु अपना निश्चय तो होना चाहिए कि हमें प्राप्त करना है। कभी कभी व्यक्ति सोच लेता है, हाँ भगवान की जब इच्छा होगी तब मिलेंगे। नहीं, ध्रुव महाराज जैसा, माँ यशोदा जैसा दृढ़ निश्चय होना चाहिए। ध्रुव का निश्चय था कि भगवान से हमें भेंट करना है, तो केवल 6 महीने में कृष्ण को प्रकट कर लिए, यहीं पर इसी वृंदावन में, मधुबन में। यह भूमि अपनी ओर से हमारी मदद करती है। हम कृष्ण भावनामृत से भरी हुई भूमि में बास कर रहे हैं। यहीं पर श्री जमुना जी हैं, यहीं पर गिरिराज गोवर्धन हैं, और वैष्णव रह रहे हैं। इन सब की कृपा से हम भगवान को पा जाएंगे, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। संदेह नहीं करना चाहिए। पहला चीज है विश्वास और दृढ़ निश्चय। हमें करना है, करना है, भगवान को प्राप्त करने वाला काम करना है, हमें भक्ति करनी है। दृढ़ निश्चय करके इसमें लग जाना चाहिए। सांसारिक लोग संसार के काम में भी बहुत निश्चय किया करते हैं। जैसे फ्रांस का नेपोलियन था, बोनापार्ट नेपोलियन, वो इतना महत्वाकांक्षी था, वो कहता था कुछ भी संभव नहीं है, डिक्शनरी से असंभव शब्द निकाल दो। एक बार वो कहीं जा रहा था तो बीच रास्ते में बहुत बड़ा पहाड़ पड़ गया, बहुत ऊंचा पहाड़ है फ्रांस में, तो सैनिकों ने कह दिया ये बहुत बड़ा पहाड़ पड़ गया, अल्पस पहाड़। तो नेपोलियन ने कहा ये पहाड़ नहीं है, ये टीला है, पहाड़ नहीं है, चलो। और वो लोग चढ़ते चढ़ते पार कर गए उस पहाड़ को।
इतना साहस था, इतना उत्साह था। तो भक्ति तो हमारा स्वरूप है, हम भगवान के नित्य दास हैं, इसमें सफलता मिलने में क्या संदेह है। इसलिए दृढ़ निश्चय करके जप करने का, पढ़ने का, भगवान को प्रणाम का अभ्यास करना चाहिए, और करते करते मिल जाएंगे। इसी के लिए भगवान ने ये सब लीलाएं की हैं। एवं संदर्शिता यंग हरणा भृत्य वशता। महाराज परीक्षित को सुखदेव जी यहाँ पर अंग संबोधन कर रहे, हे अंग, अंग मतलब हमारे शरीर, तुम उतने प्रिय हो जितना शरीर प्रिय है। अंग, अंग माने शरीर होता है। हे अंग, हे प्रिय परीक्षित, इस प्रकार भगवान ने दिखाया कि मैं भक्तों के बस में रहता हूं। यह इसीलिए दिखाया ना, किसको दिखाए, अपने भक्तों को, इसलिए दिखाए कि भक्त हमसे प्रेम करेंगे और अधिक उनकी भक्ति बढ़ेगी, इनका विश्वास बढ़ेगा। तो हे अंग, भगवान कृष्ण ने इस तरह से अपनी भक्त वत्सता को दिखाया। जिनके बस में शिव, ब्रह्मा, इंद्र आदि देवता रहते हैं, ईश्वर सब, ईश्वरों के साथ यह विश्व जिनके वश में है, जो परम स्वतंत्र हैं, स्ववशे नापि, वो किसी के वश में नहीं है, स्वतंत्र हैं। पर ऐसे भगवान भी माँ जसोदा के हाथ से बंध गए। बंध करके उन्होंने यही दिखाया कि मैं अपने प्रेमी भक्तों के वश में रहता हूँ। अगर भगवान ऐसे गुण को नहीं दिखाएंगे तो भगवान से कोई प्रेम नहीं करेगा। इसीलिए वे दिखाए इस जगत में, इस दामोदर लीला को पढ़ करके, सुन करके दृढ़ विश्वास उत्पन्न होता है कि हाँ, भगवान हमको मिलेंगे, वे प्रेम के बस में रहते हैं। जरूरत है प्रेम उत्पन्न करने की, और प्रेम उत्पन्न होता है भक्ति जो करने से। निरंतर जप कर कीर्तन करते रहें, सांसारिक वार्ता से बच करके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और वे स्वयं ही आए इस जगत में भगवान गौरांग के रूप में, भक्ति सिखाने के लिए, भक्ति का प्रकार बताने के लिए, कीर्तन करने के लिए, और कीर्तन का क्या स्वरूप होना चाहिए, भक्त को किस तरह, किस भाव में कीर्तन करना चाहिए, वे स्वयं बताए। अपने भक्तों द्वारा भगवान ने बहुत प्रचार किया है। वास्तव में यह स्कान चैतन्य महाप्रभु के द्वारा स्थापित है। श्रील प्रभुपाद जी बार बार कहते हैं कि यह मूवमेंट आज से 500 वर्ष पहले चालू किया गया था चैतन्य महाप्रभु के द्वारा, और यह बहुत बड़ा सौभाग्य है हम लोगों का कि हम लोग उसी आंदोलन में, उसी परंपरा में हैं। उसको श्रील प्रभुपाद जी ने फिर पल्लवित किया, आगे बढ़ाया। तो स्वयं भगवान इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन के मार्गदर्शक हैं। लगभग 5000 वर्ष पहले उन्होंने भगवत गीता दिया, कृष्ण भावनामृत का बिल्कुल शुरुआत अपने स्वरूप से उन्होंने किया, और इस कलयुग में आज से 500 वर्ष पहले भगवान स्वयं, वही भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, और उन्होंने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। और इसके बाद बहुत से आचार्य हुए, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज,
और उसके बाद श्रील प्रभुपाद, और प्रभुपाद जी के अनेक वरिष्ठ शिष्य सारी दुनिया में भरे हुए हैं। ये प्रभुपाद जी के परफेक्ट गाइडेंस में, उनकी शिक्षा के अनुसार कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर रहे हैं। तो ऐसा अवसर पा करके यदि हम चूक जाएंगे तो ये हमसे बड़ा दुर्भाग्यशाली कौन होगा। इसको आरूढ़ च्युत कहा जाएगा कि हम अच्छा अवसर पा करके भी भवसागर से नहीं तरे, भगवान कृष्ण के पास नहीं पहुंच गए, यह दुर्भाग्य है। इस अपने लक्ष्य को स्थिर कर लेना चाहिए, दृढ़ विश्वास और दृढ़ निश्चय और उत्साह के साथ लगे रहना चाहिए भक्ति में। भक्ति में मुख्य है भगवान का नाम संकीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जय श्री प्रभुपाद।